हेलो फ्रेंड्स, 6 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 9 न्यूज आइटम्स है जो पिकअप की गई है, इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है टाई सिवियरली डैमेज सेज चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में और एक नया इशू जो इमर्ज हुआ है, अब वो है दलाई लामा जो विजिट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग रीजन है, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी है, तो चाइना इसे तिब्बत का पार्ट मानती है और तिब्बत चाइना का पार्ट। तो ये यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट है एक्चुअली। तो इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कमीशन बैठाया गया है, वो क्लोज्ड डोर्स टॉक्स कर रहे हैं। तो कई सालों से वो निगोशिएशन चल रहा है, पर अब वो चाइना कह रही है कि दलाई लामा जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर है यहाँ, वो लोग कहते हैं कि ये सेपरेटिस्ट लीडर है और इनको यहाँ इन्वाइट करके इंडिया चाइना रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लेकिन इंडिया यही कह रही है कि ये विजिट सिर्फ रिलीजियस विजिट है। तो ये इशू भी इसलिए अराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ, क्योंकि इंडिया चाइना का जो ये बाउंड्री है वो मैकमोहन लाइन से डिसाइड होता है। ये मैकमोहन कमीशन था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो दो कमीशन थे, रेडक्लिफ कमीशन और मैकमोहन कमीशन। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री भी जो डिसाइड हुई, तो ये कमीशन ने डिसाइड किया, क्योंकि नीचे पेनिनसुलर इंडिया तो वाटर बॉडी है तो बाउंड्री का प्रॉब्लम नहीं है, पर जो ऑन द अदर साइड है लैंड बाउंड्री है, तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री रेडक्लिफ कमीशन से यहाँ से बनता है, और इंडिया चाइना की जो ये जो ईस्ट साइड की बाउंड्री है वो ये मैकमोहन कमीशन ने डिसाइड किया था, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो ये मैकमोहन लाइन चाइना एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि जो मैकमोहन लाइन में डिसाइड की गई वो 1914 के शिमला कन्वेंशन पे बेस्ड है। ये शिमला कन्वेंशन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ था, तो ये चाइना कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसीलिए मैकमोहन लाइन भी एक्सेप्ट नहीं करते है, और यहाँ पे डिस्प्यूट वो अराइज हो रहा है इस वजह से। तो वही है, इंडिया कहती है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट, बट चाइना का यह मानना है नहीं, ये तवांग तिब्बत का पार्ट है और ये चाइना को अब मिलना चाहिए। तो वही इशू है। तो ये एक एक्स्ट्रा इशू अभी न्यूज आ गया है। दो इश्यूज पहले ही चाइना इंडिया चाइना रिलेशन के बीच में जो है, एक है मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद के लीडर है, उनको टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए जो इंडिया एफर्ट्स कर रही है यूएन पे, उसमें चाइना सपोर्ट नहीं कर रहे, वहां पे वो टेक्निकल बैरियर्स डाल रहे और टेक्निकल होल्ड डाल रहे। और दूसरा इशू है एनएसजी मेंबरशिप। इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप चाहिए, पर चाइना वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो कह रहे कि इंडिया नॉन एनपीटी है मेंबर है, मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है इंडिया ने, तो उसको एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। और एनएसजी में ऐसा ही है कि सारे मेंबर्स जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक मेंबरशिप नहीं होगी। तो मेंबरशिप एक्सेप्ट की जाएगी नहीं, बाय कंसेंसस नॉट बाय मेजोरिटी। तो चाइना इज अ मेंबर, तो उसका यस बहुत जरूरी है। अगला न्यूज आइटम है रेल रेगुलेटर गेट्स ग्रीन लाइट। तो अब ये रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्लियर किया है इसका सेटिंग अप। तो ये बनाई जाएगी बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब लेजिस्लेचर से बनाते हैं, मतलब बिल पास करके बनती है बॉडी, और ये लेजिस्लेचर से नहीं, ये एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके ये इजीली एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये रेल रेगुलेटर है लेकिन इसके पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स है। तो इसके तीन मेन फंक्शंस है, एक है पैसेंजर फेयर रिकमेंड करना, दूसरा है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना रेल ऑपरेशंस के लिए, और तीसरा है कि लेवल प्लेइंग पॉलिसी आए कि प्राइवेट सेक्टर भी इस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए जो रिकमेंडेशन देगी। तो ये सारे रिकमेंडेशन ही हो गए सिर्फ, और इसका फाइनल डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेगी। तो ये इनका फंक्शन है। तो ये जो बॉडी एस्टेब्लिश की जा रही है, तो वो विवेक दबराय कमेटी जो थी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवेज, तो ये कमेटी के बेसिस पे ही, ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये अब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, मतलब इनके लिए सेपरेट बजट एलोकेशन किया जाएगा, इनके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट रिमूवल प्रोसीजर डिसाइड किया जाएगा, तो उससे इसका इंडिपेंडेंस एंश्योर किया जाएगा। तो वो है प्लस यहाँ पे मेन इशू है एक्चुअली पैसेंजर फेयर्स डिसाइड करना। तो गवर्नमेंट कई टाइम से कह रही है कि पैसेंजर फेयर्स काफी कम है, मतलब कि जब रेलवे पैसेंजर फेयर्स जो है वो बढ़े नहीं है, कॉस्ट रेलवे का बहुत बढ़ चुका है पर उसके हिसाब से पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़े, और जो फ्रेट
जो गुड्स होते हैं FREIGHT फ्राइट चार्जेस है वो बढ़ते गए, तो एक्चुअली क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब है कि जो गुड्स के फेयर्स है वो इंक्रीज ज्यादा किए जाते हैं ताकि पैसेंजर फेयर से जो लॉस हो रहा है उसको कम्पेंसेट किया जा सके। तो पैसेंजर फेयर का जो लॉस है 2004-05 में 6,159 करोड़ था, अब ये 2015-16 में 30,000 करोड़ का लॉस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे वही है कि पैसेंजर फेयर्स इंक्रीज करना चाहिए, उसके लिए वो गवर्नमेंट कई टाइम से स्टेप्स लेने की कोशिश कर रही है। तो अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी बनाई गई है जो इस बेसिस पे रिकमेंडेशंस देगी, तो वो इस बारे में है। ये भी बिबेक ओबेरॉय कमेटी जो थी उनके रिकमेंडेशंस जो थे ये डिटेल्ड आउट है यहाँ पे। वही है, तुम रेल रेगुलेटर का काम होगा कि फेयर स्ट्रक्चर फिक्स करे, पैसेंजर फ्राइट चार्जेस को रैशनलाइज करे। तो एक पॉइंट ये भी रखी जाती है कि क्योंकि ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा है, फ्राइट चार्जेस रेलवेज काफी ज्यादा मांगती है, तो रेलवेज को इधर भी लॉस होता है मार्केट शेयर में, क्योंकि फ्राइट फिर रोड्स प्रेफर करते रादर देन रेलवेज। तो इसीलिए यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं कि ये इसका जो पैसेंजर लॉसेज है उसको कम करना चाहिए, मतलब पैसेंजर फेयर बढ़ाने चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेफ्टी मेजर्स इंटेंसिफाइड इन गोवा फॉलोइंग मंकी फीवर स्केयर। सो ये है क्यासनोर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको मंकी फीवर भी कहते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज होता है जो ये टिक्स इंसेक्ट्स होते हैं उनसे पास होता है, और ये टिक्स का होस्ट जो है मतलब ये इनकी बॉडीज में इनके फर पे पाया जाता है, जो एनिमल्स है जैसे माउस है मंकी है, तो जनरली मंकीज के थ्रू जो पास होता है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। और इस वायरस की वजह से कई डेथ्स भी हो गई है, हमने पहले इसको अराउंड मिड मार्च में डिस्कस किया था, टू बी स्पेसिफिक मार्च 17, तो तब ये डिस्कस किया गया था कि कर्नाटका में यहाँ डेथ्स पाई गई है। तो अब ये न्यूज है कि यहाँ यहाँ महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ डेथ्स हुई है इस वजह से, और इस वजह से गोवा जो एडजॉइनिंग स्टेट ही है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से का उसके साथ बॉर्डर है, तो यहाँ पे भी अलर्ट लगाया गया है। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इसके लिए स्टार्ट किया गया है, क्यासनोर फॉरेस्ट डिजीज। फिर अगला न्यूज आइटम है, ताज चेंजिंग कलर मट थेरेपी बीन यूज्ड। तो ताजमहल जो 1654 में बनाया गया था, तो इसके ऊपर कई बार अटैक्स हुए, एक बार जाट्स ने इसको अटैक किया था, एक इवन ब्रिटिश फोर्सेस इसको कंसिडर कर रहे थे कि इसको गिराया जाए। तो ये अभी एयर पोल्यूशन के बारे में भी इसके न्यूज आती है कि इसकी वजह से ताज का कलर चेंज हो रहा है। और एक चीज है जो इंसेक्ट्स है, तो यहाँ पे जो रिवर है यमुना रिवर फ्लो होती है ताजमहल के पास, तो ये पल्यूटेड है, उस वजह से जो इंसेक्ट्स यहाँ ब्रीड होते हैं वो ताजमहल में भी पाए जाते हैं, और वो जो पू करते एक्सक्रीट करते हैं, तो वो खराब और ब्लैक पैचेस ऐसे वेस्ट के यहाँ पे इसकी वॉल्स पे रह जाते हैं, तो उस वजह से ताजमहल को बिगड़ रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए एक्चुअली क्वेश्चन आम है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने रिस्पॉन्ड ये किया कि अब ताजमहल को रिपेयर करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसका कलर रिस्टोर करने के लिए, तो एक इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाया जा रहा है, तो 3/4 स्ट्रक्चर को ये लगाया गया है और इसका रिजल्ट अच्छा है, तो यही उन्होंने कहा स्टेप्स लिए गए। तो ये ताजमहल का है जो कलर चेंज हो रहा है, ब्राउनिश येल्लो हो रहा है, तो वो तीन मेन पॉल्यूटेंट्स है जिस वजह से होता है। तो एक है डस्ट, जिसकी वजह से 59% कलर चेंज होता है, तो एक स्टडी के हिसाब से ब्राउन कार्बन जो बायोमास गार्बेज बर्निंग की वजह से एमिट होता है, तो ब्राउन कार्बन की वजह से 30% कलर चेंज हो रहा है। और तीसरा जो है फैक्टर वो है ब्लैक कार्बन जो फॉसिल फ्यूल से जनरेट होता है, एमिट होता है, तो ये फॉसिल फ्यूल बर्निंग से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 3% बताया जाता है कलर चेंज में, तो ये है। और ये जो ग्रीन कलर है और ग्रीन ब्लैकिश हो जाता है, ये इंसेक्ट एक्सक्रीटा है जिस वजह से ताजमहल का के वॉल्स बिगड़ रही है, जो मार्बल से फिर उनको क्लीन किया जाता है, पर उस वजह से मार्बल का शाइन वगैरह जो यहाँ पे डिजाइन है वो अफेक्ट होती है। फिर अगला न्यूज आइटम है, बिहार झारखंड चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड सेज एनजीओ। तो ये NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो अभी किया गया उसके डेटा के हिसाब से यहाँ पे ये एनजीओ क्राय चाइल्ड राइट्स एंड न्यू ने यहाँ पे उसके बारे में एस्टिमेट लगाया, उन्होंने कहा है कि बिहार झारखंड में चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड है, तो 9 out of 10 चिल्ड्रन जो है 6 to 23 ईयर्स एज ग्रुप में अंडर नरिश्ड है, सिर्फ अराउंड 7% चिल्ड्रन है यहाँ पे बिहार झारखंड में जिनको एडिक्वेट डाइट मिलता है, तो ये मतलब नेशनल एवरेज से काफी बुरा है। और अगर तमिलनाडु का फिगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 31% का फिगर है जिनको एडिक्वेट डाइट मिलता है, वो कह रहे। दूसरा एक पॉइंट वो रेस कर रहे वो ये कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यहाँ काफी कम है।
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो होती है उसका मतलब है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के सामने डिलीवरीज हो, घर पे डिलीवरीज ना हो। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बिहार झारखंड में काफी कम है। अगर NFHS 3 का डेटा एक्चुअली देखा जाए जो 10 साल पहले हुआ था 2005-6 में, और ये 2015-16 में NFHS 4 हुआ है, तो अगर वो एक डिकेड पहले का डेटा देखा जाए तो बिहार झारखंड में तब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज less than 20% थी। मतलब 80% से ज्यादा बर्थ घरों में होते थे, नॉट इन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स विद डॉक्टर्स। और NFHS 4 में अभी डेटा सामने आया कि 60% से ज्यादा अभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, तो कंपेरेटिवली काफी अच्छा है। पर अभी भी अगर स्केल देखा जाए तो अभी भी बिहार एंड झारखंड लैगिंग बिहाइंड है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा एक पॉइंट रेस किया गया है वो अनीमिया के बारे में। तो अनीमिया मतलब कि आयरन की कमी की वजह से, ये जो एनीमिया, बेसिकली एनीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एनीमिया का मतलब है रेड ब्लड सेल्स जब कम होते ब्लड में। तो एनीमिया काफी हाईली प्रेवेलेंट है बच्चों में भी और वुमेन में भी। तो प्रेग्नेंट वुमेन में भी अनीमिया जब होता है तो वो फिर एक साइकिल हो जाता है कि अनीमिया कम वुमेन में है तो फिर बच्चों को भी जाएगा, तो जुवेनाइल अनीमिया होता है बच्चों में, वो पैदाइश से आता है। तो उस वजह से माल न्यूट्रिशन साइकिल वो कंटिन्यू होते रहता है और इस वजह से काफी दिक्कतें आती है। तो ये एक पॉइंट भी रखा गया है। इवन जो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए मदर्स को, प्रेग्नेंट वुमन को, वो लेती नहीं है, काफी कम परसेंटेज है। सिर्फ 9% बिहार में लेती है प्रेग्नेंसी में, और 15% प्रेग्नेंट वुमन झारखंड में ये सप्लीमेंट्स लेती है। तो ये एक पॉइंट भी रेस किया गया। तो ये एनीमिया के बारे में, और इसकी वजह से जो दिक्कतें आती है वो ये है, रिड्यूस्ड फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वर्क आउटपुट, वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकल्स में डिफिकल्टी आती है वुमेन को, लो प्री प्रेगनेंसी आयरन स्टोर्स होते हैं तो उनमें आयरन की कमी हो जाती है, और लो बेबी बर्थ होता है, बर्थ वेट जो होता है बेबी का वो काफी कम होता है, तो प्री टर्म डिलीवरीज भी हो सकती है डेट से पहले, और रिड्यूस कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है, परसेप्शन कॉन्सेंट्रेशन उस पर भी अफेक्ट होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है व्हाट्सएप केस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो ये जो व्हाट्सएप केस है ये एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्टर किया गया था, पेटिशन फाइल किया गया था, दो स्टूडेंट्स ने फाइल किया था कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसमें व्हाट्सएप ने कहा है वो अपने यूजर्स का सारा इन्फॉर्मेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, इमेजेस, वीडियोस, जो भी वो शेयर करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन डेटा वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ये दो स्टूडेंट्स ने पॉइंट रेज किया था कि दिस इज गोइंग अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। तो जो यूजर्स की राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट हो रही है। तो तब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि व्हाट्सएप एक फ्री सर्विस है, आप चाहे तो उसको इंस्टॉल करो या नहीं यूज करो, तो यू आर फ्री टू डिसाइड दैट। पर हाँ, व्हाट्सएप को उन्होंने कहा आप डिलीट कर दो, अगर ये चेंज हुई है पॉलिसी आपको नहीं चाहिए तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर दो। तो अगर आपके अकाउंट डिलीट होने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप को ये डायरेक्शन दिया कि जो यूजर्स ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया उनका सारा इन्फॉर्मेशन उनको अपने सर्वर से डिलीट करना होगा, तो ये एक डायरेक्शन दिया गया। लेकिन ये केस अब अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, और ये 5 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो ये केस को हियरिंग कर रही है। तो ये केस की हियरिंग में अब ये पॉइंट सामने आई है कि राइट टू प्राइवेसी को अगर इसमें इसके ऊपर जजमेंट दिया जाएगा, ये आपने पहले भी हमने डिस्कस किया कि 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समर वेकेशन में भी बैठेगी, और ये इसमें से एक केस था जो ये डिस्कस किए जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खेर ने कहा है कि ये जो केस है व्हाट्सएप का वो सीरियस इशू है, तो इसको एक्चुअली प्रीपोन किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग अभी April 18 में ही होगी। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट सामने आई है कि ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी पे 2 सुप्रीम कोर्ट बेंचेस ने वर्डिक्ट दिया है। तो ये एक 8 जज बेंच थी 1954 में, और एक 6 जज बेंच थी 1962 में, MP शर्मा केस और खरक सिंह केस दोनों में। तो ये दोनों केसेस में राइट टू प्राइवेसी को रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी गारंटीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। तो अगर अब ये जो है सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल फेसबुक को जो रिप्रेजेंट करे, उन्होंने कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट बेंच राइट टू प्राइवेसी पे एडजुडिकेट करने वाली है तो इसको बड़ी लार्जर बेंच चाहिए, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से नहीं एडजुडिकेट हो पाएगा, ये एटलीस्ट 9 जज बेंच चाहिए अगर ये केसेस के जजमेंट को उनको उससे वेरी होना है, तो अगर उससे वेरियंस होगा तो इसीलिए अब ये पॉइंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को चेंज करने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही पास पावर्स है, तो हायर बेंच चाहिए। तो 8 जज बेंच का वर्डिक्ट जो है वो चेंज करने के लिए इससे बड़ी बेंच चाहिए, तो 9 जज बेंच का उन्होंने डिमांड किया है कि बिठाई जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है
सेंटर हैंड्स ओवर टू सुप्रीम कोर्ट एग्रेडिटेशन गाइडलाइंस फॉर एनजीओस। तो एनजीओस और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को अभी जो एग्रेडिटेशन दिया जाएगा, मतलब कि क्योंकि ये रजिस्टर होने चाहिए, एक्रेडिट होनी चाहिए अगर उनको गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए तो उसके लिए ये पूरा एक गाइडलाइंस बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है कि उनको कैसे अपना अगर वो ग्रांट्स रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से तो उनको अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, ऑडिट कैसे होगा उनका अकाउंट का, अगर रिकवरी भी प्रोसीजर क्या होगा अगर इनका ग्रांट जो दिया गया उसको रिकवर करना है, क्योंकि अगर मिस अप्रोप्रिएशन है या क्रिमिनल एक्शन सामने आता है तो वो ग्रांट रिकवर भी किया जाए, तो वो सारे डिटेल्स इसमें गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इवन नीति आयोग को अपॉइंट किया गया, जो नोडल एजेंसी रहेगी रजिस्ट्रेशन और एक्रेडिटेशन के लिए, एनजीओस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं। तो ये जो पूरा गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये रखा गया है। तो नीति आयोग ऑलरेडी इनका पोर्टल है, नीति आयोग एनजीओ दर्पण, तो इसको अब और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके पास पूरे ये डेटाबेस भी मेंटेन करेगी जिसमें सारा इंफॉर्मेशन होगा एनजीओस के और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ये है नीति आयोग के बारे में भी। नीति आयोग एस्टैब्लिश की गई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए, प्लानिंग कमीशन अबॉलिश किया गया। नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, मल्टी टीयर्ड बॉडी है, तो इसके अंदर गवर्निंग काउंसिल भी है चीफ मिनिस्टर्स के सारे, रीजनल काउंसिल से स्पेसिफिक इश्यूज पे, तो ऐसे करके लेयर्स है। तो जो फुल टाइम ऑफिस है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन है, सीईओ होता है, इवन चार यूनियन मिनिस्टर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो यही है यहाँ पे इनका मेन फंक्शन था, ये प्लान डिसाइड करके, 5 ईयर प्लान डिसाइड करते थे। तो अब यहाँ पे सिर्फ नीति आयोग में नेशनल एजेंडा डेवलप किया जाएगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सेंटर स्टेट कोऑपरेट करके फंक्शन करे उसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। तो वही है वो स्ट्रेटेजिक टेक्निकल एडवाइस देके स्टेट्स को, एज सच वो उनका रोल होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है बैकवर्ड क्लास कमीशन सेट टू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन प्रेजेंटली फंक्शनल है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो है उसके अंदर इसको 1993 में एस्टैब्लिश किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उसके बाद ये एस्टैब्लिश किया गया। तो अब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इनिशिएट किया गया, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये, जिसके अंदर ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए प्रोविजन है। तो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंदर ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो अब इसको उन दोनों बॉडीज के लाइन पे पार लाने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। तो अभी जो है ग्रीवांसेस जो है सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के, वो शेड्यूल कास्ट कमीशन एडजुडिकेट करते, तो अब मतलब उसके ऊपर हियर करते, तो अब ये फिर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पास ये पावर्स होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगा। तो ये जो इंदिरा सोनी केस था जो फेमस सुप्रीम कोर्ट का 1993 में जो जजमेंट आया था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक परमानेंट बॉडी एस्टेब्लिश की जाए, कमीशन या ट्रिब्यूनल, जो ये सारे एग्जामिन करे रिकमेंडेशंस कि कोई इंक्लूजन या एक्सक्लूजन है या कंप्लेंट्स है कि ओवर इंक्लूजन हो रहा है कि अंडर इंक्लूजन हो रहा है ओबीसी लिस्ट में, तो उसके ऊपर एक कमीशन होना चाहिए परमानेंट। तो इसीलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। अब जो स्टेप लिया जा रहा है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया जाएगा। तो वो है, तो ये इंदिरा सोनी केस जो है उसमें 3 मेजर पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, इसलिए ये फेमस है काफी। एक था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी भी यूज की जा रही है, मतलब प्रीवियस ईयर के रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो भी ओवरऑल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये एक पॉइंट था। और दूसरा था क्रीमी लेयर पॉलिसी के बैकवर्ड क्लासेस में जो क्रीमी लेयर्स है, तो ये भी जुडिशियल इनोवेशन इंदिरा सोनी केस में आया था कि क्रीमी लेयर जो बैकवर्ड क्लासेस में ओबीसी में उनको एक्सक्लूड किया जाए, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। और तीसरा था कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होंगे, एंट्रेंस पे प्रमोशन है, एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। तो 3 मेजर पॉइंट थे इंदिरा सोनी केस के। फिर लास्ट न्यूज आइटम है यूके इंडिया अनवील ज्वाइंट ग्रीन फंड। तो ये हमने कल भी देखा कि यूके और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है रेस्पेक्टिवली उनका ज्वाइंट मीटिंग हुआ था, तो उसमें ये भी अनाउंस किया गया अब कि ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये फंड मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी अप टू 120 मिलियन पाउंड ईच, तो दोनों इन्वेस्ट करेंगे और ये इंडिया के लिए हेल्प करेगा ये फंड के इन्वेस्टमेंट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आए। ये सीड फंड होगा, मतलब इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है और इससे काफी ज्यादा फंड अक्यूमुलेट किया जा सकता है जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा। तो ये एक स्टेप लिया गया।
यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।